अनपढ़ माँ दिल को छू लेने वाली कहानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वहां पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। अक्षुपुरुत भरी आंखों को पल्लू से पोछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, बेटा तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई थी। मैंने सोचा शादी के बाद ही कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं, चलो इस बार अबॉर्शन करवा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं घूमना फिरना और आपस में समझना, यहाँ सब कुछ बाद में, फिर तेरा जन्म हुआ और वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता है, तो सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता वो डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वहाँ आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी, उसके बाद सोती थी और रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली शिक्षक हो।